बीजेपी की स्टार प्रचारक और सांसद हेमा मालिनी मथुरा के गोवर्धन पहुंची। बीजेपी उम्मीदवार मेघ श्याम के लिए मांगे वोट। चलिए भैया थोड़ा थोड़ा गैप दे दो आगे। प्रचार से पहले हेमा मालिनी ने गिरिराज महाराज के दर्शन किए और की पूजा अर्चना, मांगा जीत का आशीर्वाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के कासगंज में किया प्रचार, बीएसपी और कांग्रेस की सरकारों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। सब पर कभी न कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, पर योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में घर घर जाकर किया प्रचार। एसपी का गढ़ माना जाता है शिकोहाबाद का इलाका, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे नड्डा। सीएम योगी आज बुलंदशहर के शिकारपुर और खुर्जा में करेंगे घर घर प्रचार, मतदाताओं को भी संबोधित करेंगे। सीएम योगी 4 फरवरी को गोरखपुर शहर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। योगी का मुकाबला भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद से। यूपी के गोरखपुर में टिकट कटने से नाराज खजनी सीट से विधायक संत प्रसाद, 2 दिन का दिया अल्टीमेटम। इसमें कोई दौरा नहीं, हम 2 दिन वेट करेंगे, हनुमान जी के भक्त हैं। और आज है शनिवार, कल इतवार, मंगलवार को मैं एकदम घोषित कर दूंगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया, एसपी आरएलडी गठबंधन पर साधा निशाना। अखिलेश जी और जयंत जी ने मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ साथ, मगर साथ साथ कब हो। गाजियाबाद और हापुड़ में अखिलेश और जयंत चौधरी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर किया पलटवार। यहां नेगेटिव पॉलिटिक्स कोई कर रहा है, नकारात्मक पॉलिटिक्स कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम दोनों लोग मिलकर के नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का मुरादाबाद में घर घर प्रचार, लोगों को योगी सरकार की उपलब्धियां बताकर मांगे वोट। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने वाराणसी में घर घर जाकर किया प्रचार, लोगों से मांगे वोट। पटेल पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने यूपी के आगरा में किया प्रचार, ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर मांगे वोट। यूपी के कांग्रेस प्रभारी हैं भूपेश बघेल। सूत्रों के मुताबिक बिहार के सीएम नीतीश कुमार यूपी में जेडीयू उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। क्या बदल रही है उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई? एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में बीजेपी सबसे आगे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ा समाजवादी पार्टी का वोट शेयर। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर ईस्ट से नामांकन दाखिल किया, यहां सिद्धू का मुकाबला अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया से। सिद्धू ने विक्रम मजीठिया को एक सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी, कहा दम है तो एक सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं, वो माफिया है, ये शहर गुंडागर्दी नहीं चाहता। जे इन्ना ही दम है ते इन्ना ही भरोसा है लोकां दे उत्ते, फिर छड़ मजीठा ते आ कल कल्ला लड़। सिद्धू पर मजीठिया का पलटवार, कहा जोकरों के जोकर है सिद्धू।
पंजाब में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने किया पूर्ण बहुमत मिलने का दावा। एबीपी न्यूज से कहा, जनता बदलाव चाहती है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। कांग्रेस और अकाली ने पंजाब को सिर्फ बर्बाद किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब में उनकी सरकार बनने के बाद सरकारी दफ्तरों में बाबा अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर लगेगी। पंजाब सरकार के किसी भी दफ्तर में सीएम की या किसी भी नेता की फोटो नहीं लगाई जाएगी। बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर पंजाब सरकार के हर दफ्तर के अंदर लगाई जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा दौरे पर रहेंगे, साई बाबा मंदिर में पूजा करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। गोवा चुनाव के लिए टीएमसी और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। 3 साल में 10,000 नौकरी और 80% स्थानीय युवाओं को नौकरी देने का वादा किया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।